ट्राई के नेशनल टैरिफ ऑर्डर 2.0 आने के बाद नियम के अंदर बहुत सारे बदलाव होने तय हैं। तो टाटा स्काई जो कि आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करता है NCF के रूप में, उसमें बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आप लोगों को ये बता दें कि पीछे जो NCF के चार्जेस थे उसको 130 रुपये रखा गया था 100 चैनल्स के लिए, और मल्टी टीवी के लिए अलग अलग DTH कनेक्शंस ने अपने अलग अलग रेट रखे थे, क्योंकि टाटा स्काई अपना अलग एक रेट लेके चल रहा था। तो वहाँ पे आपको जो प्राइमरी टीवी पे देना पड़ता था प्राइस, सेम प्राइस आपको टाटा स्काई की सेकेंडरी टीवी पे देना पड़ता था। ट्राई के द्वारा क्लियर नहीं किया गया था कि मल्टी टीवी के रेट क्या होने चाहिए, तो वहीं पे DTH आपको 50 रुपए में, डिश टीवी आपको 50 रुपए में सेकेंडरी टीवी प्रोवाइड कर रहा था। थोड़ा सा ज्यादा पैसा लेते हुए एयरटेल आपसे 90 रुपए चार्ज कर रहा था, लेकिन टाटा स्काई सबसे ज्यादा चार्ज कर रहा था। तो जो फायदा होगा सबसे ज्यादा टाटा स्काई कस्टमर्स को ही होगा। अभी अगर नया नियम लग जाता है 1 मार्च 2020 से जो अटका हुआ है अभी फिलहाल बहुत सारे हाई कोर्ट्स के अंदर, जिसके बारे में बात चल रही है, स्टे अभी लगा नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट बॉम्बे ने ऐसा बोला है कि 12 फरवरी तक आप इस डेट को चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके रेट्स पे क्लियरिटी नहीं आती है ट्राई के द्वारा। तो अभी 12 फरवरी के बाद ही जो कुछ होना है सो होगा, लेकिन तब भी 1 मार्च 2020 से हो सकता है कि चेंजेस हो जाए। अगर 1 मार्च 2020 से ये नियम लागू हो जाता है तो NCF के तौर पे सेकेंडरी टीवी पे मैक्सिमम 40% ही आप ले सकते हैं प्राइमरी टीवी के NCF का। तो कहने वाली बात यह है कि 130 रुपये ज़्यादातर लोगों के पास NCF हुआ करेगा, क्योंकि 226 चैनल आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। अगर कोई ज़्यादा उससे चैनल देखता है तो उनको 160 रुपये प्लस GST पे करना पड़ेगा। तो 160 का जो आपका 40% होता है वो होता है 64 रुपए। तो मैक्सिमम NCF जो आपको पे करना होगा टाटा स्काई को 64 रुपए का बनता है। लेकिन अगर 130 रुपए NCF अगर आप प्राइमरी टीवी पे कर रहे हो तो आपको सिर्फ 52 रुपए ही पे करना पड़ेगा। तो इससे फायदा कितना होगा आप ये सोच सकते हो कि आपके टीवी देखने का बिल लगभग 80% तक कम हो जाएगा अगर टाटा स्काई का टीवी सेकेंडरी आपके यहाँ लगा हुआ है। तो टाटा स्काई कस्टमर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका मल्टी टीवी कनेक्शन में बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है, और नेशनल टैरिफ ऑर्डर आने के बाद आपको बहुत सारे चीज़ें अच्छी तरीके से मिलने लगी। कुछ और चैनल्स आप देखने लगोगे, जो भी आपको पसंद है वो चैनल भी सिलेक्ट करने को आपको मौका मिलेगा दूसरे टीवी के ऊपर। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस ऑर्डर में जो मल्टी कनेक्शन के बारे में बताया गया वो आपके फायदे का है? कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कमेंट कीजिए कि आपका कितना रुपया सेव होगा अगर ये 64 रुपए आपसे मैक्सिमम चार्ज करते हैं NCF के तौर पे। तो अब दूसरी खबर फिर से टाटा स्काई कस्टमर्स के लिए और भी खुशखबरी कि HD चैनल्स आज की डेट में जो टाटा स्काई आप लोग तक लेके आता है वो सबसे ज्यादा लेके आता है। इसी कारण वो मार्केट लीडर भी आज की डेट में, भले ही परसेंटेज बहुत कम हो DTH से, डिश टीवी से, लेकिन अभी वो बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टोटल चैनल्स की अगर बात करते हैं टाटा स्काई के, तो लगभग 91 HD चैनल्स अभी आज की डेट में अवेलेबल है टाटा स्काई के प्लेटफॉर्म पे। वहीं पे एयरटेल में 86 चैनल्स अवेलेबल है, लेकिन टोटल चैनल्स HD प्लस SD के बारे में अगर बात करते हैं तो वहां पे आपको एयरटेल आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है, और वो 626 चैनल लेके मार्केट लीडर है टोटल चैनल प्रोवाइड करने में। हालांकि टाटा स्काई के अंदर कुछ अपने भी चैनल्स हैं, उनको ऐड करने के बाद टाटा स्काई के बाद टोटल 589 मतलब कि 589 चैनल्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। अब HD चैनल्स के बारे में बता रहा हूं तो बाकी DTH ऑपरेटर्स के बारे में बात नहीं करें तो ना इंसाफी होगी। तो बात कर लेते हैं DTH के बारे में, जो कि वीडियोकॉन का हुआ करता है, उनके पास 64 HD चैनल्स हैं। वहीं पे बात कर रहे हैं अगर डिश टीवी के बारे में तो 70 HD चैनल्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं आज की डेट में, और सन डायरेक्ट जो आज की डेट में आपको डिश टीवी देता है उसके अंदर 75 HD चैनल्स अवेलेबल हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितने HD चैनल्स देखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपके प्लान में कितने HD चैनल इंक्लूडेड है। कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे वीडियो देखने के बाद। दोस्तों तकनीकी साइड पे रेगुलर आया कीजिए, आप लोगों को अच्छे इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और कोशिश कीजिए कि बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए कि आने वाले टाइम के अंदर कोई वीडियो आता है सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच देखने के लिए।